एवरीवन, आई एम शालू, आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं 2022 की टेरो रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके जोडिक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस हॉरोस्कोप को देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लियोस के लिए 2022 में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो हैं करेज और ट्रस्ट। सो लियोस, 2022 में आप काफी करेजियस रहेंगे। यू विल नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक वॉट इज ऑन योर माइंड। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, वो आप खुलकर बोलेंगे। अपनी ओपिनियंस आप खुलकर दूसरों के आगे रखेंगे। किसी भी चीज़ से आप घबराएंगे नहीं, नई चैलेंजेस को लेने में, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने में आप पीछे नहीं हटेंगे। दूसरों की हेल्प करेंगे और आपका जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड रहेगा वो रहेगा फियरलेस, यानी कि आप डर कर नहीं जिएंगे, डर कर काम नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर हर चुनौती का सामना करेंगे। और जो दूसरी ब्लेसिंग है वो है ट्रस्ट। तो आपका अपने ऊपर भी काफ़ी ट्रस्ट रहेगा और आपका भगवान के ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी काफ़ी ट्रस्ट रहेगा। यू हैव दिस ट्रस्ट दैट यू कैन फेस एनीथिंग एंड द डिवाइन हैज़ योर बैक। और आपका जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी हाइटेंड रहेगा। आप जो भी डिसीजंस अपने इंट्यूशन से लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए लियोस कार्ड्स हैं फाइव ऑफ वाटर, द हर्मिट एंड एट ऑफ फायर। सो लियोस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जैसा आपने होप किया था चीज़ें उस मुताबिक नहीं हो रही हैं और इस वजह से आप कुछ डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव देखने की बजाय आप नेगेटिव ही देखेंगे और हो सकता है इन सब बातों की वजह से आप अपने जॉब को चेंज करने के बारे में, जॉब को क्विट करने के बारे में भी सोचें। और दूसरा कार्ड है द हर्मिट। तो आप में से कुछ लोग अपनी जॉब से ब्रेक लेने के बारे में सोच सकते हैं। यू विल वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम अलोन। टीम वर्क में काम करने की बजाय आप अकेले काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जॉब को छोड़कर अपना खुद का कुछ शुरू करने के बारे में सोचे, अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का स्टार्टअप, तो कुछ भी खुद का काम करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और जो तीसरा कार्ड है एट ऑफ फायर, वो एक तरह का सिल्वर लाइनिंग कार्ड है आपके लिए। बहुत ही बिजी रहने वाला है आपके लिए 2022। जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से आपके लिए मूव करेंगी, कि कुछ भी अगर डिलेज आ रहे थे, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपके काम में, तो वो ख़त्म होने को हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो अगर आप अपना काम करने के बारे में सोच रहे थे, खुद का काम करने के बारे में सोच रहे थे, या आप जॉब चेंज के बारे में भी सोच रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी 2022 में आपके लिए एट ऑफ फायर लेकर आ रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो लियोस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक सुपरफिशियल लेवल पर है। इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज एंड कम्युनिकेशन एंड लॉजिक। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनके इंटेलेक्ट की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। सो यू बोथ इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ कूल डिटैच्ड मैनर विद नो डीप इमोशंस इन्वॉल्व। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। दूसरा कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक पे आधारित रहेगी। जितना आप अपनी रिलेशनशिप को देंगे उतना ही आपको आपके पार्टनर से वापस मिलेगा।
If you are very caring towards your partner will be equally caring towards you. If you are affectionate, if you are loving towards your partner will be equally affectionate and loving towards you. तो जितना रिलेशनशिप को आप देंगे, जितनी एफर्ट्स डालेंगे, उतने ही आपको एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से भी इस रिलेशनशिप में मिलेंगे. और होम एंड फैमिली, दिस इज गोइंग टू बी द कीवर्ड फॉर यू इन 2022. आपका फोकस अपने घर पर, अपनी फैमिली पर काफी रहेगा और एक अच्छी अबंडेंस, एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी रहेगी. अगर मैरिड हैं तो चिल्ड्रन पर फोकस रहेगा, बच्चों पर फोकस रहेगा. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही स्टेटस वाले, एक रिच फैमिली में रिश्ता हो जाए. कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है और एक बहुत ही अच्छी, एक रिप्यूटेड फैमिली में शादी होगी. आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड्स हैं, फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन. तो आपके लिए एडवाइस ये है कि जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में उसको भगवान को सौंप दे. बहुत ज्यादा वरीड ना हो, बहुत ज्यादा टेंशन ना ले. जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ये फेथ रखें. वॉट एवर इज हैपनिंग इज इन योर लाइफ, इट इज फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर योर बेनिफिट. हैव दिस फेथ. दूसरा कार्ड है वैक्सिंग क्रेसेंट मून और कार्ड का मैसेज है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पर भरोसा रखें. सेल्फ डाउट मत रखें, अपने ड्रीम्स पर, अपने सपनों पर काम करें और भगवान को सरेंडर कर दें. जो रिजल्ट्स हैं वो भगवान को सरेंडर कर दें. तो यह थी 2022 की आपकी टैरो रीडिंग. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए. अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें. और ऐसे और अधिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर.